मुजफ्फरनगर के गांव सिखरेड़ा में ग्राम प्रधान गयूर अली द्वारा आगामी ईद को लेकर साफ सफाई व निर्माण कार्य शुरू कराए गए। कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ टंकी का उद्घाटन हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टंकी लग रही है। ये रास्ता जो रास्ता है ये पूरे गांव का मेन रास्ता है और इस रास्ते पे आना जाना भी बहुत, और अब आगे त्यौहार का भी मामला है, ईद का सारा, ईदगाह भी दरी है, कब्रिस्तान भी दरी है। तो मैंने दिमाग में मेरे यह था कि भाई इस रास्ते को लगवाना है मुझे, और ये रास्ता मंजूर भी हो गया है, ये रास्ता लगना है, इस पर इंटरलॉक लगना है। लेकिन मैंने जो हमारे जन निगम वाले थे उनसे बात की कि भाई ये रास्ता फिर फटेगा अगर मैंने भी लगवा दिया, तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है प्रधान जी, हम पहले इसकी पाइपलाइन दबवा देते हैं। तो आपने देखा होगा पीछे कार्य इंटरलॉक का नाली बनने का चल रहा है और आज इस पर पाइपलाइन दब जाएगी और उसके बाद में इसके ऊपर इंटरलॉक का निर्माण हो जाएगा। बड़ी गंदगी थी यहाँ पर जिससे लोगों को इस गंदगी से निजात मिली। कितने दिन से निर्माण चल रहा है इसके ऊपर? इसका 3-4 दिन हो गए जो निर्माण शुरू हुआ है और मेरे हिसाब से 5-7 दिन में 8 दिन में पूरा भी हो जाएगा काम, ईद से पहले पहले शायद पूरा हो जाए। और इसके अलावा कहाँ कहाँ ऐसी समस्या है, क्या आप जैसे यहाँ पूर्व प्रधान थे उनके उसमें कितनी समस्याएं थी लोगों को? पूर्व प्रधान ने अपना कार्य किया है, मुझे अपना करना है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। उन्होंने अपने हिसाब से अपना कार्य सही किया होगा, मुझे अपना करना है। मैंने अभी तक गाँव में 4 रास्ते लगवा चुका हूँ मैं इंटरलॉक के, सरकारी जो हमारा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3 कमरों में और एक ऑफिस में उनके टैलिंग लगवा चुका हूँ मैं, नीचे भी और ऊपर भी दीवारी पे। स्कूल का मैंने कार्य बहुत किया है और जो नल थे 7 या 8 नल के मैं रिबोर करा चुका हूँ गांव में, जो भी समस्या है साफ सफाई का मैं ध्यान रखता हूँ। जैसा कि इधर निकलते आते जाते हमें सुनने में आता है यहाँ राखी की बहुत समस्या है, किसी पेपर मिलों को लेकर या पानी की गंदगी है, उसका उसमें क्या कहना है? देखो पानी की गंदगी का समाधान तो फिलहाल हो ही जाएगा जब गांव में टंकी लग जाएगी, लेकिन हाँ इनसे फैक्ट्रियों से प्रॉब्लम तो है ही और इनका समाधान किया जाएगा, इनसे मिला जाएगा, ना कहा जाएगा कि भाई आप प्रोटोकॉल के आधार पर फैक्ट्रियाँ चलाइए, राखी वाखी ना उड़ाएं। और इधर जो है कि देखने में आता है रोड पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का काम चलता है, इसमें क्या कहना है आपको? पोल्यूशन का काम तो रोड पे चल ही रहा है, जब फैक्ट्री है तब तो सोचते नहीं लोग कि जब फैक्ट्रियाँ लग रही है तभी उन पर रोक कार्रवाई की जाए, तभी हंगामा किया जाए, लेकिन फिर भी हम फैक्ट्री मालिकों से मिल के उन्हें अपनी समस्याएं बताएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान। जैसा कि सुनने में आता है राखी की वजह से कुछ लोगों की आँखें भी खराब हो जाती है, आँखों से चले जाते हैं और बच्चे बहुत कम समय में चश्मे का यूज करने लगते हैं, क्या कुछ ऐसा है उसमें? हाँ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है ही, प्रॉब्लम तो होती है जब प्रदूषण होता है या राखी उड़ती है, इसमें प्रॉब्लम तो क्षेत्रवासियों को होती है, प्रॉब्लम तो है। इसका समाधान हम तो यही चाहेंगे जो फैक्ट्री मालिक है कि भी अपने जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उन्हीं के आधार पर अपनी फैक्ट्री को चलाएं, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य जो हमारे गाँव का स्वास्थ्य है, जो हमारे गाँव का जनजीवन है, उससे सर्वोपरि कुछ नहीं हो सकता।
हैं।